हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। टिकटॉक स्टार फैसू अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। कुछ वक्त पहले इंडस्ट्री में ऐसी अफवाहें थी कि फैसू टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबेर को डेट कर रहे हैं। दरअसल जन्नत और मिस्टर फैसू ने एक म्यूजिक एल्बम में एक साथ काम किया था। ऐसे में गाने में उनकी केमिस्ट्री देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं एक इवेंट के दौरान जन्नत जुबेर ने फैसू के डेट करने के सवाल का करारा जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में जन्नत से सवाल पूछा गया था कि जब आपका फैसू के साथ नाम जोड़ा जाता है तो आप दोनों आपस में क्या डिस्कस करते हैं। इस सवाल को सुनकर जन्नत थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इसके बाद उनके साथ मौजूद एक शख्स ने सवाल के जवाब में कहा, दोनों बहुत ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, लेकिन रील और रियल लाइफ में अंतर होता है। रील लाइफ में दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और रियल लाइफ में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक टिकटॉक का किंग है तो दूसरी क्वीन। ऐसे में बातें होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में बस अच्छे दोस्त हैं। वहीं जन्नत ने बाद में इस सवाल पर कहा, प्लीज आप बोलो कि ऐसा करना ये लोग बंद करें, ये अच्छा नहीं लगता है। तो देखा आपने, फैसू संग अपने रिलेशनशिप पर जन्नत ने सबको करारा जवाब दे डाला है। बता दें कि जन्नत जुबेर और मिस्टर फैसू का वीडियो सॉन्ग तेरे बिन कीवे दर्शकों को खूब पसंद आया था। गाना यूट्यूब पर ट्रेंड करने के साथ ही चार्ट बस्टर में भी छा गया था। इतना ही नहीं, इस गाने के जबरदस्त पॉपुलर होने के चलते यूट्यूब की ओर से जन्नत और फैसू को अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि विवादित मामले पर वीडियो बनाने के कारण फैसू पर कार्रवाई करते हुए यूट्यूब ने गाने को हटा लिया था। वैसे आपको फैसू और जन्नत की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। राम जी बता दो, आज राम जी की शादी हो गई है। राम जी की शादी हो गई है। आई थिंक हिंदुस्तान में सबका दिल टूटा हुआ है, दर्द सबके अंदर है, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ है जो मैंने निकाल दिया है। That was beautiful and वो गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द कहाँ पे था और उस प्यार को किस लेवल पे। जन्नत, पहली बार आपने इस गाने को सुना तो why you thought that you should be featured in the song? So let me tell you कि जब गाने को हाँ किया था तब मैंने गाना सुना ही नहीं था। क्या बात है। So आपने अभी अभी इतनी तारीफ की सर की, तो you know ये आए इन्होंने बताया वही काफी था, तो गाना सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। You know when the man himself tells you and you know जब इनका गाना है, तो मैं आपको बताऊं, मैं दुबई जाने के बाद मैंने गाना सुना। क्या बात है। यू नो, वो वैसे ब्लाइंड फेथ था मुझे कि भाई गाना तो सारे लोग राम जी के म्यूजिक पे इतना ही भरोसा है। राम जी, आई हैव टू टेल यू दिस, आई हैव सीन यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जो आपने कंपोज किया, लेकिन पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी और वो आवाज को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बॉस ढेर सारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल बी हंटिंग फॉर राम जी की, राम जी प्लीज गाना मेरे लिए गा ले यार। तो बट थैंक यू जन्नत, दैट वाज वेरी नाइस। अब सुनने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब गाना ये तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले बिकॉज हम इतनी बार सुन चुके हैं कि मुझे तो पूरा गाना याद ही है। एंड यू नो यू कीप हमिंग द सॉन्ग, तो मतलब ये ऐसी गाना है कि आप एक बार सुनोगे ना तो आपको वो हम करने की आदत पड़ जाएगी। एब्सोल्युटली। आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक जुबेर जी, जन्नत फादर एंड मैम, फॉर बिलीविंग इन अस, एंड दे वर सो सपोर्टिव थ्रू आउट द शूट। दे वर ऑलवेज देयर एज यू नो स्टैंडिंग एज अ बैकबोन, चाहे वी हैड facing some issues on the shoot, but they were so strong and he's still been standing so strong with us. And thank you Zubair ji, I can't see you but I love you. Thank you. Man, we love you. And ye pehli baar tha mere kisi music album mein support karne meri puri family gayi thi. Puri family leke gaye the Ram ji ko support karne. Ayan, Ayan, who has done a guest appearance in the song and he's an amazing child. He's such an adorable child. हर मैं देखता हूँ, मैं TikTok में बहुत बार देखा है। So I guess it was more of a family package जो आपने book किया। Faisu is a charmer, no? जब भी मैं Faisu को देखता हूँ, इनकी smile में सब खत्म हो जाता है। या you know, या Faisu कौन सा toothpaste use करते हो? That's not the question. Branding हो जाएगी। तो but Faisu, on a serious note, how was it working with Ram जी? कैसा लगा? मैं तो बहुत खुश हूँ, और जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था राम जी से CCD में, तो राम जी का तो मैंने काम पहले से देखते आ रहा हूँ, और मैं समझ गया था कि मतलब ये सॉन्ग जाएगा। फिर पाजी ने अपने ऑफिस में भी बुलाए थे मुझे, सॉन्ग सुनाए थे, मैं पाजी को बोल दिया था पाजी ये हिट है और ये ट्रेंडिंग जाएगा। मैं वो सॉन्ग सुन के इतना अच्छा फील आ रहा है कि मतलब ऐसा लगता है बार बार सुनते रहो वो सॉन्ग को, इतना अच्छा लगता है सुन के। तो बस
बाजी के साथ लग गए हम भी। तो इस शूट में सबसे चैलेंजिंग क्या, आपने ये आप लोगों को ये बता दूं कि ये दुबई की गर्मी में इसको शूट किया गया था, अच्छे एक्सोटिक लोकेशंस में शूट किया गया था। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शूट इन दुबई? सबसे बेस्ट पार्ट, आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज रामजी। नो आई मस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो शूट आपका जो डायरेक्टर कर रहा है उससे ना बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं हो तो कोई शूट अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब तक आप कंफर्टेबली नहीं होंगे, दो दिन का शूट है, अगर कंफर्टेबल होने में दो दिन लग गए तो भाई एल्बम का शूट होगा। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज इनको आज मैं बता रहा था कि एक प्रोटैगनिस्ट जो होता है एक शो होस्ट करने के लिए, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, इस वीडियो में जो प्रोटैगनिस्ट है वो राम जी है, एंड आप वो उसको पूरे किरदार को उन्होंने इतने ब्यूटिफुली उन्होंने ये किया था, जहाँ पर आपकी रोमांस चल रही है ये है, एंड राम जी इन फ्रंट ऑफ द कार डिस्क्राइब्स, एंड वो बोलते हैं ना एक कलाकार जैसे उसको ब्यूटिफुली यू नो रच रहा है, वैसा इन्होंने किया था। राम जी दैट वाज सो ब्यूटिफुल यार। एंड एक चीज आपको राम जी के बारे में जो लगता है कि बस ये बहुत ही नटखट सिंगर है, क्या है? नटखट सिंगर अभी तो एक सॉन्ग आने वाला है वो जल्दी, उसमें राम जी का सब पता चला है। तो अभी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी उस पर भी काम करेंगे, अभी इसे बताना नहीं है इस बारे में कुछ। I love both of them so much that I'm going to back-to-back work with Faizu and Jannat, and it's always going to be my pleasure working with them. They are so both good artists, you know, and they're magical. Brilliant. Just want to say. अच्छा Faizu, एक चीज़ आप बताएं कि अगर हिंदुस्तान में लोग बार-बार इस गाने को सुनना है तो क्यों सुनना है? क्योंकि उस गाने में फील है। जब मैं बनाते समय मैं पाजी को जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो उस वक्त ही मैंने 20 से 30 बार सुन लिया था। वाओ। शूट करने से पहले और शूट हुआ भी नहीं था, वो इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैं तो बोल दिया था पाजी को कि मतलब ये जाएगा। एंड आप इसके बारे में क्यों सुने इस गाने को? आई थिंक इसका कोई एक फैक्टर है ही नहीं कि क्यों सुना। आई थिंक हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, आप अगर ओवरऑल देखें वीडियो तो ओवरऑल वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, यू नो, बी इट एनीथिंग, बी इट द लिरिक्स, द म्यूजिक, द सिंगर, the actors, yeah, most the important artists, no, everything. I must say, I'm not saying it because I am in the video or anything like that, but actually the song is so beautiful and it's shot beautifully. I think the whole team has worked so hard, aur itna achhe sabne apne inputs dale hain ki song itna acha lag raha hai. So I think the credit goes to the whole team, the entire team, and I really miss them now. Very beautifully put, Jana. अच्छा राम जी एक चीज मुझे बताओ, आप क्या मतलब कौन सा किरदार सबसे बेहतरीन आप निभाते हो? म्यूजिक क्रिएटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सुनो, सिंगर, जस्ट म्यूजिक कंपोजर, गाना मेरा शौक है। आई एम नॉट अ सिंगर सिंगर, आई हैव नेवर लर्न्ड सिंगिंग, बट मेरे अंदर एक फील है, बस वही फील इस गाने में, एंड आई होप यू। एंड ये जो वीडियो इतना ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है वो यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग म्यूजिक एंटरटेनमेंट एंड मोर है, इनके 10 साल आज सेलिब्रेट हो रहे हैं, सो लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर देम। Fantastic. And हम ट्रैंक्विल को भी थैंक करना चाहते हैं, दिस ब्यूटीफुल वेन्यू जहाँ पर हम इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आई थिंक उनके लिए भी एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड फाइनली 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 दोस्तों इसे देखिएगा, अगर आपके पास कोई सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, इट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड इट्स ऑन नंबर वन, बेहतरीन गाना है, Faizu, Jannat and Ramji have done a brilliant job, and इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ मच बिगर हिट। Thank you so much. He is the love guru, and today he is with us. The अगर आप love guru सुनते थे radio पे, he is the man. And guys, it's a thank you. I would like to thank Zee Music, Pratik who got all of us together, Salimstan, Parul, love you. Thank you for supporting us always, and Tranquil. And इससे पहले you know एक बात तो हम बताना भूल ही गए। आप बारातियों का नहीं नहीं बारातियों का स्वागत छोड़िए, अयान का स्वागत करें, बिकॉज़ ही इज वन हैंडसम गाय जिनको वेयर इज अयान, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अयान। अयान कम हियर, अयान अयान कहां हो अयान, अयान आ जाओ, दे दो थोड़ा सा ध्यान, आपके बिना यहां पे बहुत सुना सुना लग रहा है। और इन द मीन टाइम किसी को सवाल पूछना है प्लीज, या क्वेश्चन, आज गाना ट्रेंड कर रहा है क्रिएटिव हिस्ट्री, सो हाउ डू यू फील, आई मीन यू नो इट्स ऑन अनदर लेवल टुडे, कैसा लग रहा है आपको, क्या रिएक्शन है जुबैर का एंड एक्चुअली मेरी सच्ची बोलूं तो कोई आज एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेंड पे आएगा, कि नंबर वन पे आएगा, मैंने ये नहीं सोचा था,
And again, I would like to once again like to thank Faizu and Jannat. They have such a huge fan following and they have done such a brilliant job in the video. And I think overall, Zee Music ko thanks dena chahunga. And humne jitni mehnat ki sabne saath mein milke, chahe wo audio pe ho, video pe ho, wo, it's paid back. And I literally had tears in my eyes when I saw that hashtag #1 trending. So, oh, that's so cute.